पशु व्यापारियों की पिटाई की गई। ट्रक में पशु लाद कर ले जा रहे पशु व्यापारियों को विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में पीटा। आरोप है कि पशु व्यापारी ने लिमिट से ज्यादा मवेशी ट्रक में लाद रखे थे, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने ट्रक रुकवा लिया और बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय खोखर को मौके पर बुलाया। मामले की सूचना बड़ौद पुलिस को लगी तो पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने ही व्यापारियों की पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यापारियों को हिरासत में ले लिया और उनके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि पकड़े गए आरोपी किसी पशु पेट में मवेशियों को बेचने जा रहे थे। अभी पूरे मामले पर बड़ौद पुलिस तफ्तीश कर रही है, उसके बाद ही व्यापारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दिए जाने की बात की जा रही है। बागपत से रूप कंवर गहलावत की रिपोर्ट। ये डीसीएम जो है इसमें 18 भैंस और उनके कटरे जो है वो भरे हुए थे, इसको जो है सूचना मिलने पर हमारी टीम ने पकड़ा है और एक छोटी सी डीसीएम में 18 भैंस और उनके कटरे भरे हुए थे, इसी में जो है पशु क्रूरता अधिनियम का मुकदमा कायम किया जा रहा है। सर बताया जा रहा है कि कटान के लिए ले जाए जा रहे थे, ये तो आगे विवेचना में आएगा कटान के लिए थे या कैसे थे, लेकिन फिलहाल पशु क्रूरता अधिनियम का मुकदमा कायम किया जा रहा है। कितने लोग पकड़े गए सर इसमें? इसमें 2 लोग। सर भीड़ ने पिटाई भी की है जी, जो आरोपी था उसकी पिटाई भी की है भीड़ ने, पुलिस की मौजूदगी क्या कहना? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं।